गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल गुड़िया फैमिली ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी फीवर मेरा जो है कम हो गया है, दवा दिखा के लाई थी तो कुछ आराम है, लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा सा फीवर जैसा, तो मैंने दवा खा लिया है। और आज है संडे तो मैंने सोचा कि चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, तबीयत थोड़ा भी ठीक होता है तो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, तबीयत खराब रहता है तो नहीं कर पाती हूँ। शोर आ रहा है क्योंकि साफ़ सफाई हो रही है, हम लोग आए हैं ना तो कपड़ा बहुत हो गया था, तो रिमी तो अपना पूरा कपड़ा साफ कर ली, बस अभी और बाकी है हमारा वो हो रहा है। और आज हम खाने में बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी, मटर की दाल। तो रेसिपी देखती हूँ, शेयर हो सके तो करूँगी और नहीं तो ऐसे ही दिखा दूंगी। तो वीडियो बने रहेगा, स्किप मत कीजिएगा ब्लॉग को। तो चलिए कंटिन्यू रहेगा, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग। पूरा गाना नहीं आता, जितना आता उतना मैंने गा लिया। और अभी हम मटर छील रहे हैं, इसका बनाएंगे मटर का दाल। और किस किस को मटर का दाल पसंद है बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है मटर का, सिर्फ दाल ही अच्छा लगता है। और एक घुघरी अच्छा लगता है, घुघनी घुघनी हम लोग बोलते हैं, घुघनी आप लोग क्या बोलते हैं कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ नहीं मटर का, हम लोग को मटर का पूड़ी या पराठा ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मीठा मीठा होता है ना, तो आप कितना भी बना लो मटर मीठा होता ही है। तो हमारे घर में भैया मटर की दाल ही पसंद है सबको, और मटर की घुघनी पसंद है, तो बस मटर की घुघनी हम लोग खूब खाते हैं और मटर का दाल। और यहाँ मटर अभी सस्ता नहीं है, 40 रुपये केजी अभी भी है। आप लोग यहाँ कैसे हैं कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और हम थोड़ा ठीक हो जाते हैं तो बस हमारा यही हाल होता है, और बीमार पड़ते हैं तो बिस्तर पकड़ लेते हैं, आ, 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 करने लगते हैं, ठीक है। और अभी हम थोड़ा ठीक होते हैं तो बस हम भीड़ जाते हैं, कैमरा उठा लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं। प्याज का लंबा लंबा काटो। हाँ, प्याज का लंबा लंबा काटो, चार उनका होगा, पाँच वो छः काटो, बाकी थोड़ा सा पीसे उसको, 80 लोट हो गया किसी के। आज ना सिलबट्टे में प्याज पीसे कटहल की सब्जी बना रहे हैं, और कटहल की सब्जी के नाम पे मुंह से पानी आ रहा है। किस किस को कटहल की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है बताइए, बताइएगा जरूर। मुझे चश्मा नहीं चाहिए, मुझे तो भैया बहुत पसंद है, थोड़ा कैसे कर लूँ। मुझे कटहल की सब्जी ना बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत मेरा फेवरेट है कटहल की सब्जी। और वो भी पता है सिर्फ कटहल, खाली कटहल, बिना आलू, विदाउट आलू का। और हमारी रिमी रानी तो उसको दूसरा ही नाम दे देती है, वो बोलती है मम्मी विदाउट कटहल का सब्जी ना टंगरी लगता है। हम खाए नहीं है लेकिन उसका लैंग्वेज बता रहे हैं आपको, उसको लगता है। तो अब एक दिन बनाएंगे सिर्फ कटहल की सब्जी, हमको भी बहुत अच्छा लगता है खाली कटहल, विदाउट आलू का सब्जी, कटहल का प्याज पूरा डाल के और बनाइए। अब भाई जो लोग नॉनवेज खाएंगे तो उसको नॉनवेज ही बोलेंगे ना, है ना, उनको तो हर एक चीज़ में अच्छी वाली सब्जी में नॉनवेज का स्वाद आ जाएगा। हम लोग तो हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन कटहल की सब्जी सच में बहुत अच्छा लगता है हमको। तो अभी आलू डाल के बनाएंगे, क्योंकि हमारे घर में विदाउट आलू कटहल की सब्जी बना दी तो कोई खाएगा ही नहीं, सिर्फ हम ही सास बहू ऐसे हैं जो कटहल की खाली कटहल की सब्जी पसंद है। बाकी घर में तो सब लोग आलू रहेगा तभी खाएंगे, चाहे कटहल हो चाहे पनीर हो, उसमें आलू डालना दीजिए, आलू हमारे घर का फेवरेट है। तो आज बनाएंगे आलू कटहल, और आज फिर कटहल ले आएंगे तो कल बनाएंगे विदाउट कटहल, और गरम गरम घी घस के रोटी या चावल। तो एवरीवन हम आ गए किचन में, मैंने कढ़ाई रख दिया, तब तक कढ़ाई मैं तब तक मसाला तैयारी कर लेती हूँ कटहल की सब्ज़ी तैयार। पहले मैं इतना प्याज ऐसे हल्का मोटा पीस के निकाल लूँगी, तो देखिए मैंने पीस के निकाल लिया, और अब मैं दूसरा मसाला पीसने जा रही हूँ। तो उसे मैंने प्याज लिया है, लहसुन लिया है, इसमें थोड़ा सा अदरक डालूँगी, उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी,
और एक चम्मच जीरा डालूंगी और धनिया पाउडर और सूखी मिर्ची डाल रही हूँ और धनिया पाउडर 2 चम्मच डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। दोस्तों आप लोग इस तरीके से एक बार कटहल की सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही टेस्टी। उसके बाद खड़े गरम मसाला मैंने रखे हैं तो वो भी इसमें डाल दूँगी और एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं गरम मसाले में दालचीनी, जावित्री, लौंग और बड़ी इलायची, छोटी इलायची इतना मैं डालती हूँ बस। उसके बाद से मैं पेस्ट बना लूँगी। इस तरीके से बस सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत और टेस्टी बनेगा। मैंने कढ़ाई रख दिया, गैस ऑन कर दिया और यहाँ पे सारे मसाले रख के मैं पेस्ट बना लूँगी। मेरी तबीयत सही नहीं है दोस्तों, मेरी आवाज़ बहुत भारी है, हो रही है, तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर तो कढ़ाई तेल गर्म हो चुका है और कढ़ाई मैंने रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैंने कटहल पहले फ्राई करके, तो देखिए कटहल को आप जब भी उबालें ना तो थोड़ा सा नमक, हल्दी और पानी डाल के उबालें, इससे आपका कटहल काला नहीं दिखेगा, सब्ज़ी पीला पीला दिखेगी। तो ये देखिए कटहल को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी और कटहल ना बहुत अच्छा कटहल था, इसकी सब्ज़ी बहुत मस्त बनी थी। तो यहाँ पे देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका कटहल को मैं निकाल लूँगी, मुझे एकदम लाल तक हमें भून लेना है ताकि इसमें ना अच्छा सा क्रंचपन आ जाए। और कटहल जब तक अच्छे से भूने नहीं सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। और इसी तेल मैंने आलू को बॉयल कर लिया था और कट कर लिया था, तो उसे मैं थोड़ा सा बॉयल कर फ्राई कर लूँगी। इससे क्या है ना कि सोंधा सोंधा सा मतलब सब्ज़ी होगा, अच्छा लगेगा। तो आलू को भी मैं बॉयल कर लूँगी, सॉरी फ्राई कर लूँगी। और आलू फ्राई करने के बाद इसे ना हम एक प्लेट में निकाल लेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे से देखिए फ्राई हो चुका है और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर अब इसमें हम मसाले भुनेंगे। कटहल की सब्ज़ी में आप जब तक अच्छे से मसाला वगैरह नहीं डालते हो ना, कटहल की सब्ज़ी उतनी टेस्टी नहीं बनती। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू निकाल रही हूँ और बहुत अच्छे से मैं आलू, और आलू भी एकदम देखिए लाल फ्राई हो चुका है। मैं कम तेल में ही बॉयल कर दी हूँ, मुझे पता नहीं क्यों कटहल की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे देखिए कटहल निकालने के बाद मैं कढ़ाई को गर्म करके उसमें तेल डाल दी और इसमें जीरा पंचफोरन में डालूँगी। कटहल की सब्ज़ी पंचफोरन का तड़का ना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ मैं पंचफोरन डालूँगी तड़का के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैं पंचफोरन डाल दूँगी और उसमें 2 तेज़पत्ता डाल दूँगी और गरम मसाला मैंने पीस दिया है। जो खड़े मसाला होते हैं सब पीसे ना, उसके उसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ 3 तेज़पत्ता डाल दी। अब हम इसमें प्याज मैंने कट कर लिया है, 2 बड़े प्याज को लंबे लंबे टुकड़ों मैंने कट किया है और उससे हम डालेंगे। तो उसे डाल के भून लेंगे देखिए, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी बना प्याज का मात्रा ज़्यादा डालेंगे ना तभी सब्ज़ी आपकी अच्छी होगी, उसमें मसाला प्याज सब बहुत अच्छे से पड़ता है। तो यहाँ पर मिर्ची नहीं थी तो मैंने हरा मिर्चा कट करके भी डाल दूँगी, लंबे लंबे में कट के हरा मिर्चा बीच से करके और लंबे लंबे कर लूँगी। आपको जैसे पसंद आए, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से अपना मिर्ची क्वांटिटी डालिएगा। तो यहाँ पे मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी और फुल अच्छे से रेसिपी तो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार इस तरीके से सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना दोस्तों, तो जो मैंने प्याज को मोटे दरदरा पीसा था अलग से, तो ये देखिए प्याज में इतना सा पीसा है, उसे भी मैं डाल दूँगी और उसे भी मैं 2 मिनट तक भून लूँगी ताकि कच्चापन निकल जाए और सोंधापन आ जाए। फिर उसको भूनने के बाद ना हम जो पेस्ट बनाए थे ना मसाले वाला, उसको हम मसाले वाला डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून चुका है। अब इसमें ना हम वही पेस्ट डाल देंगे जो मैंने पेस्ट बनाया मसाले के लिए, तो उस पेस्ट को अब हम डालेंगे इसमें मसाला। तो मैं वो मसाला डाल दूँगी, तो यहाँ पे देखिए मसाला डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे जब तक इसमें से इतना तेल नहीं अब निकल रहा है, तब तक भूनेंगे। फिर इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। कटहल की सब्ज़ी में ना आपको सूखे मसाले ऐड करने पड़ते हैं, या अच्छे से जब तक मसाला नहीं पीसिएगा, प्याज क्वांटिटी ज़्यादा नहीं दिया। यहाँ पे मैं मटर की मसाले की भी तैयारी कर रही हूँ, मटर की दाल की। तो मैंने देखिए हरा लहसुन लिया है, लहसुन का जो पत्ते लाता है ना वो लहसुन है, थोड़ा गोटा लहसुन है, थोड़ा सा गोल काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच जीरा। तो डाल के से पीस लेंगे और यहाँ पे हमारा मसाला भून चुका है, तो मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। हल्दी मसाला भूनते समय ही डाल दें, क्योंकि हल्दी ना कच्चापन लगने लगता है, अच्छे से नहीं पकता है। तो हल्दी हम डालेंगे। तो मसाला देखिए मेरा अच्छे से भून चुका है, बहुत अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले जो पड़ते हैं ना, तो सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, उसके बाद मैं डालूँगी मिक्स मसाला
उसके बाद मैं डालूंगी गरम मसाला, थोड़ा सा पिसा हुआ, मेरे घर का बनाया हुआ है तो मसाला ही टाइप का है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी देगी लाल मिर्च, मुझे देगी लाल मिर्च से भी स्वाद बहुत टेस्ट आता है और तीखा कम होता है, इतना रहता है। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूंगा और भून लेंगे हम सबको, और फिर चाट मसाला भी हम डालेंगे हल्का सा। पानी डाल डाल के मैं मसाले को अच्छे से पका लूँगी ताकि मसाला ना बिल्कुल कच्चापन ना रहे, तो अच्छे से हम इसे पका लेंगे। देखिए चाट मसाला भी मैंने डाल दिया थोड़ा सा हल्का सा, आपको पसंद है डालिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए। और मैं टमाटर भी डालूंगी, और ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने कटहल की सब्जी को मसाला का भून लिया, और बहुत ऐसे भूनने के बाद मैंने इसमें दो बड़े बड़े टमाटर को छोटे चॉप कर लिया है तो वो डाल दूंगी। और टमाटर जब हमारा अच्छे से नमक, टमाटर डालने के साथ ही हम नमक डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि नमक से ना टमाटर जल्दी पक जाएगा और मसाला भी पक जाएगा। तो हम टमाटर जब तक पक जाएगा ना तब तक देखिए पानी डाल देंगे, और जब हमारा पानी बॉयल होने लगेगा तो फिर हम इसमें आलू और कटहल डाल देंगे, और उसे हम करीब 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं ना कटहल के अंदर आलू के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जब तक नहीं जाएगा तो अच्छा सब्जी का टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ मैं ढक दूंगी, और ढकने के बाद देखिए मैंने आलू और कटहल इसमें डाल दिया, अब इसे फिर हम ढक लेंगे। और आपको जैसा सब्जी पसंद है, आपको रसेदार पसंद है तो पानी की मात्रा ज़्यादा डालें, और आपको सूखा सब्जी पसंद है तो आप ना ऐसे ही सूखा बना ले तो सूखा भी बहुत टेस्टी, लेकिन मुझे हमारे घर में रसेदार ही पसंद है। अब इसके बाद देखिए सब्जी हमारी हो गई थी रेडी, मैं धनिया पत्ता एकदम फ्रेश ताज़ी धनिया पत्ता डाल के सब्जी को उतार लेंगे। तो चलिए कटहल की सब्जी तो फिनिश हो गई, अब बनाते हैं मटर की दाल। तो यहाँ पे तो मटर की दाल के लिए मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया है, कढ़ाई में तेल डाल दिया, इसमें जीरा डालूंगी, मटर की दाल में जीरा डालूंगी। तो मैंने बड़े चम्मच, 1 चम्मच 1.5 चम्मच जीरा डाला है, उसके बाद तेज तेज पत्ते डालूंगी, और कुछ मैंने लहसुन कट करके रखे हैं, हरी मिर्च और प्याज। तो जब जीरा और तेजपत्ता चटकने लगे तो मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी, लहसुन का पकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद देखिए अदरक घिस के डाल दूंगी, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्च। तो इन सब देखिए प्याज और हरी मिर्च, और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो ना मतलब अच्छे से जब तक भूनिए नहीं ना सब्जी का स्वाद टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखते, यहाँ पे जो मैं पेस्ट बनाई थी ना मसाले, वो पेस्ट में इसलिए हरा दिख रहा है कि मैंने इसमें हरी लहसुन हरा मिर्च का इस्तेमाल किया है, अदरक और लहसुन, थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा मैंने डाल के इसे पीस लिया है। अब इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे, और इसमें यहाँ पे मैं हल्दी डाल दूँगी ताकि साथ ही साथ हल्दी भी पक जाएगी, और इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। और सच में बहुत टेस्टी दाल बनी थी मटर की, आप एक बार इस तरह जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों मेरे कहने पर। तो उसके बाद देखिए भून चुका, अब इसमें भी हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला, उसके बाद मिक्स मसाला डालूंगी, देही लाल मिर्च डालूंगी, उसके बाद मिक्स मसाला डालूंगी, मिक्स मसाला डाल दूंगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूंगी हल्का सा, और मैंने पीसा भी है खड़े गरम मसाला। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी मिक्स मसाला, गरम मसाला डालने के बाद मैं चाट मसाला डालूंगी। तो ये देखिए मैं चाट मसाला डाल दूंगी, और आप मैं हींग नहीं यूज करती, लेकिन सोच रही हूँ कि समय में हींग भी डालूंगी। आप लोग हींग खाते हुए तड़के में ही हींग डाल दिया कीजिए। अब देखिए मसाला अच्छे से भून गया, तब इसमें मैं टमाटर, 3 मैंने बड़े टमाटर को मैं ही चॉप कर लिया है बारीक, और डाल दूंगी उसके स्वाद अनुसार नमक, ताकि हमारा टमाटर जो है ना अच्छे से गल जाए। आप एक बार दाल बना के ऐसे ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी दाल लगेगी, आपको सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पानी डाल के मैं इसे ढक के पका लूँगी ताकि टमाटर जो है ना सारा पक जाए और मसाला भी हमारा पक जाए। अब ये देखिए मैं इसमें खूब मटर ना आप बॉयल कर ले, आप बॉयल मटर को करने के बाद थोड़ा मटर आप ऐसे खड़े डाल दें, और बाकी मटर को आप मिक्सी में पीस ले और पीस के डालें, दाल तो ही बनेगी। आप चाहे कच्चे मटर पीस के बना सकते हैं, लेकिन कच्चे से ज़्यादा नहीं ये बॉयल वाला अच्छा बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैं मटर डाल दी, थोड़ा सा भून रही, अब मैं जो मटर पीसी हूँ ना ये देखिए पीस के मैंने मटर का पेस्ट बना लिया था ना, इसे मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से मैं भून लूँगी ताकि मतलब थोड़ा सा मटर अच्छे से भून जाए। आप मटर को ना एक सीटी लगा दें, उसका पानी छान के रख दें, और उसमें से थोड़े से 2 मीठी मटर ऐसे रख लें ताकि गोटा डालें, और बाकी मटर को ना आप मिक्सी में पीस लें बारीक, उससे ना दाल बहुत अच्छी बनती है। आप चाहे तो हाथ से मैश के भी बना सकते हैं, मैशर से मैश करके उबला हुआ मटर मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मटर जो है ना अच्छे से भून रहा है, पक रहा है, क्योंकि पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ का दाल हो या सब्जी हो उसका पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरी आवाज़ बहुत सुस्त लग रही है जी हाँ दोस्तों, तबीयत सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे चला चला के पका ताकि नीचे ना पकड़े नहीं। तो यहाँ बहुत अच्छे से हमारी दाल पक रही है। तो वीडियो मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बहुत दिन हो गए हैं ना ब्लॉग ऐसे नहीं बनाई हूँ। तो हाँ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
कोई भी पैसा पे नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल फ्री होता है, ना आपका लगता है ना हमारा किसी का नहीं लगता है। अब यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी डाल तो ज़्यादा पतला दाल बन जाएगा, हमें थोड़ा थोड़ा ठीक ही रखना है। अब इसे हम ढक देंगे। तो चलिए अब मिलते हैं, मेरी दाल तो तैयार हो चुकी, सब्जी भी तैयार हो चुकी, आइए आप लोग भी खा लीजिए। एवरीवन, खाना मेरा बन चुका फाइनली, और अब बन चुके हैं पूरे 11 बज चुके, और आज बहुत सारा सफाई का काम था, और खाना मैं नहीं बनाती हूँ, रिमी बनाती है, और आपको पता है रिमी कौन है, रिमी हमारी बेटी है, तो वही सारा काम करती है, वही खाना बनाती है। हाँ दुख रहे तो बेटी में, मैं कुछ नहीं करती, मैं जब तबीयत थोड़ा ठीक रहता है तो बस हल्का फुल्का हेल्प कर देती हूँ, वो भी सब्जी उब्जी में, बाकी सारा काम ए टू जेड वही करती है, झाड़ू पोछा तो मेड है, लेकिन कुकिंग का काम सारा वही करती है, और लाडो रानी को भी टिफिन वही बना के देती है। तो आज थोड़ा तबीयत ठीक था, और आज कटहल की सब्जी थी तो मैंने अपने हाथों से ही बनाई, हालांकि वो भी बनाती है, ऐसी बात नहीं है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, टेस्टी बनाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा मदद करती हूँ कि जब तक मैं बना रही हूँ तब तक तुम नहा के पूजा करो, और मैं बीमार रहती तो बेचारी अकेले करती ही है, रोज़ 12 बज जाते हैं खाने को। तो अभी हमारा खाना बन चुका है, बस थोड़े से पापड़ तलने हैं और खाना रेडी, तो फिर हम खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर में। हो गया, और वीडियो बनाने के लिए आ गया है ना डुगू, बोला कैसे हैं? कैसे हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं। बोला हम नहा लिए, हाँ नहाई नहाई कर लिया मेरा डुगू, अब खाना खाएगा है ना डुगू, खाना खाएगा ना, पूरी खाएगा ये आज, कल आज पूरी खाएगा। तो हमारा डुगू आगे मीठी देखो, हमको भी मीठी देगा, तो हम और डुगू दादी पता, तो चलिए मिलते हैं बाद में, बोला बाय। तो चलो बंद करो वीडियो को, वहां से ऊपर से।